इतना ठंडा पानी है और इतना मीठा पानी है, ये जो इधर से अंदर से आ रहा था। नज़ारा बहुत सुंदर है, सर्दियों में आप आइए या पानी अच्छा गिरे तब आइए यहाँ पर। आ जाओ, पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ पे जो अंकित है हनुमान जी की प्रतिमा, वो यहीं स्वयं प्रकट हुई है। ऐसा जगह बहुत शानदार है, पर यार बारिश होना तो जन्नत से कम नहीं है। ये सब तरफ पानी चलता है, पे बढ़िया महाराज बैठे हैं वहाँ पे, ऊपर एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। अरे वाह, या तो दाल टक्कड़ का प्रोग्राम चल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डेविड है और मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था। अभी मैं हूँ संडे मार्केट में, ये अपना हाट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मोम के हनुमान, एक धार्मिक स्थल है और वहाँ सब जा सकते हैं, फैमिली मेंबर भी जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी आप जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं और वहाँ चलता है बढ़िया सा झरना। तो आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि वहाँ झरना चालू हो गया है नहीं हो गया, जाना सही है या नहीं, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मेरे साथ है मेरे एडवर्ट सर जो कि सामान ले रहे हैं, हम निकलते हैं। तो इस वक्त मैं निकल रहा हूँ, ये फालका बाजार वाली रोड है, यहाँ से मैं जाऊँगा नई सड़क से जाऊँगा गोल पहाड़िया और फिर गोल पहाड़िया के बाद मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। तो आसान है वैसे तो, काफ़ी लोग जानते हैं, पिछले एक वीडियो बनाया था वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और आज के इस वीडियो में भी बता देता हूँ क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं उसका जवाब देना तो मेरा काम है। और मैं आपको बता दूं ये ग्वालियर के सबसे पास वाला वाटरफॉल है, जितने भी वाटरफॉल हैं ग्वालियर से काफ़ी दूर हैं पर ये जो वाटरफॉल है ये बहुत नज़दीक है, जंगल के अंदर मौजूद है, कुदरत के नज़ारे आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सब तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों पर जो हरियाली है वो बहुत सुंदर लगती है। तो हमेशा मेरा मन करता है वहां जाने का, आज हुआ तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। सो गाइस, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं, ये गोल पहाड़िया वाली रोड है जो कि तिगरा लेके जाती है, इसको चढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा और काफी बढ़िया रोड है, सब तरफ यहाँ पे आपको हरियाली भी देखने को मिली जाती है, तो यहाँ से नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं और इससे भी बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको वहां देखने को मिलने वाले हैं। अब चलते हैं और आगे कहाँ से क्या मुड़ना है वो भी आपको बता ही दूंगा मैं। बहुत शानदार ग्रीनरी है यार, हर तरफ बढ़िया माहौल हो चुका है, ये बारिश के बाद काफी सुंदर लग रहा है हरा भरा वातावरण और सामने दिखना शुरू हो गए हैं पहाड़, इन्हीं पहाड़ों में मौजूद है वो जगह जहां हमें जाना है। आगे आपको एक तिराया नजर आएगा गोल चौक, उस गोल चौक से भी आपको सीधा जाना है तिगरा वाली रोड पर और कम से कम मुश्किल से एक आध किलोमीटर ही चलना है और फिर वहां से आपको लेफ्ट साइड पहाड़ों के अंदर जाना होगा। अब चलते हैं और दिखा देते हैं आपको कितना दूर बचा है ये जगह, बाकी आप नज़ारे का आनंद लीजिए, देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली हो रही है, खूबसूरत से ऊपर है पहाड़ों पे बादल और सब तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जिस तिराहे की मैं बात कर रहा था वो तिराहा ये है, यहाँ से आप मुरैना आगरा के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों, पर अपने को सीधा जाना है, आप इस तिराहे को भी पार कर लीजिएगा और लगभग एक किलोमीटर और चलिएगा फिर वो जगह आपको मिल जाएगी। तो फाइनली पहुंच गए दोस्तों, ये हम लोग आए गोल पहाड़िया की तरफ से, आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नीम का पेड़ दिखेगा और इस जगह यहाँ देखने को मिलेगा मोम वाले हनुमान जी जाने का रास्ता। अब ये रास्ते की बात करें तो भाई ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ये मंदिर की तरफ लेके जाता है किसी खाई की तरफ, आप हालत देख सकते हैं, इतना प्रसिद्ध स्थान है, इतना बढ़िया जगह है पर यहाँ पे रास्ता नहीं है। अब हमें एक दीदी मिली है, इनसे हम एड्रेस पूछ रहे थे, दीदी कुछ बताना चाह रही हैं ऑडियंस को, क्या बोलना चाहते हैं आप बताओ, क्या कहना चाहते हैं रास्ते के बारे में? रास्ते कई बार बोल दिया सरपंच से भी और पार्षद से भी बोल दिया लेकिन सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, रास्ता नहीं बन रहा है। और कितने लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब काफी लोग आते हैं, इसी टाइम पे बहुत ज्यादा आते हैं, बरसात के टाइम हुआ कुछ प्रोग्राम करने के लिए, काली का मंदिर भी है और हनुमान जी काफी आते ही रहते हैं यहाँ पर। तो मतलब यही रास्ता खराब है, ये आपकी समस्या अगर ये अच्छा हो जाए तो और ज्यादा लोग आएंगे ना। धन्यवाद भैया आपका ये हमारे वीडियो में चीज बताने के लिए, तो आप रास्ता देख ही रहे थे, मैं पहले से ही बुराई कर रहा था, दो जन और मिल गए तो बुराई ज्यादा हो गई। क्योंकि चीज ही ऐसी है बुराई करने लायक, नीति ने जैसा बताया कि रास्ता जाने लायक नहीं है, बाकी में जाने लायक नहीं है, गाड़ी फिसल जाएगी, तो पीछे की तरफ से एक और रास्ता है वहां से तलाश करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। तो वापस की तरफ जा रहे हैं और जो बड़ा सा टीन लगा हुआ है ये कुछ रास्ता मिला है, यहाँ से इधर से अंदर जाना होगा, हाँ ये फिलहाल ठीक है। फिर भी तो ये है खूबसूरत नज़ारा, हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, यहाँ पे रास्ता अच्छा मिल गया है और कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जो काफ़ी खूबसूरत होती हैं, पर पहले रास्ता काफ़ी चौड़ा हुआ करता था,
पर अभी झाड़ियाँ काफी करीब आ गई हैं और सामने आपको दिखने लगे हैं खूबसूरत पहाड़। चलते हैं, आगे गाड़ी लगाने की व्यवस्था है वहाँ पे, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं फिर आगे की बातें आपको सुनाता हूँ। फिर ये देखो हमारे एडवर्ड सर चला रहे हैं गाड़ी और मैं पैदल पैदल आगे जा रहा हूँ। लद्दाख ही जा रहे हैं हम। मेरे को लग रहा है जाते जाते ही थक जाऊंगा। चलाओ रे बाबा, अच्छे से चलाओ। ये देखिए आप, क्या नजारा है, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है। गाड़ी हमारी आई गई है, चलाने तो दो। तो यहाँ पे पानी पिला रहे हैं भैया एडवर्ड सर को हम हेडपम्प से। ये जंगल के अंदर हमें मिल गया एक बढ़िया सा हेडपम्प, हमने कर दी यहाँ गाड़ी खड़ी, पता चला है कि अंदर गाड़ी जा सकती है। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। काफी घना जंगल है यहाँ पर, अभी खैर पानी तो नहीं है। आप पिकनिक बनाने के लिए अगर सोच रहे हैं कोई आसपास जगह तो इधर आ सकते हैं। ये एडवर्ड सर अपने आ रहे हैं इधर से और यहीं से ऊपर चढ़ते हुए मंदिर की तरफ जाना होता है। जाओ, जंगल में एक ही शेर दिख रहा है आज तो। जगह बहुत शानदार है पर यार बारिश होना तो जन्नत से कम नहीं है। ये सब तरफ पानी चलता है इधर पे, बढ़िया महाराज बैठे हैं वहाँ पे, ऊपर एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। अरे वाह, या तो दाल टक्कड़ का प्रोग्राम चल रहा है। अभी सारे लोग आए हैं। ओ पानी चल रहा है यार, चल रहा है पानी, बहुत तेज चल रहा है। तितलियाँ देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, जीवन तितलियों ने सब खराब कर रखा है। बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी ड्रेस से मैच हो रही है, तुम पीले, तुम्हारी तितली पीली, सब कुछ पीला पीला हो गया। ये कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है जब आते हैं। ये कुंड हमेशा भरा रहता है, फिलहाल बारिश नहीं है तो कुंड भी खाली हो चुका है। झरना इस जगह से चलता है, बहुत बड़ा झरना चलता है और बहुत तेज़ झरना चलता है, पर फिलहाल अभी हल्का फुल्का पानी है कि आराम से बैठ के आदमी एक जन नहा सकता है। पानी गिरता है तो उस वक्त काफ़ी जगह कवर करता है तो काफ़ी सारे लोग एक साथ नहा सकते हैं। और जो अच्छा है, सेफ जगह है, अपने परिवार के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे भाई लोग आए हैं, बढ़िया यहाँ पे दाल टिक्कड़ बना रहे हैं मस्त, मंदिर के यहाँ पर आप आके दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ पे जो अंकित है हनुमान जी की प्रतिमा, वो यहीं स्वयं प्रकट हुई है ऐसा कहा जाता है और ये सच्चाई भी है। चलते हैं आपको दर्शन करा देते हैं। ये मेरा शेर थक गया है। और आप लोग भी चाहते हैं जैसे कि ये भाई लोग दाल टिक्कड़ बना रहे हैं यहाँ पर आके, आप लोग भी पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ के बस्त माहौल को निहारना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। रही बात बर्तन भाड़े की, तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आप लोगों को बर्तन भाड़े दे देते हैं। ये वो है उनका जगह, यहाँ पर बर्तन भाड़े हमेशा मौजूद रहते हैं, कहीं भी बैठ के आप बना सकते हैं। पानी की फुल सुविधा है, जो झरने का पानी आ रहा है इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं, घर से अपना पानी ला सकते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर ये वाटरफॉल कम चल रहा हो, मतलब चल रहा हो थोड़ा बहुत भी अगर पानी गिर रहा है, तो याद रखना ऊपर एक कुंड है, वो पहले भरता है फिर उसके बाद ये झरना चलता है। तो नीचे की तरफ पानी कम है तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुंड की तरफ, ऊपर की तरफ, और वहां चल के बढ़िया नजारे दिखाएंगे और वहां से पूरा ऊपर का जो व्यूज है ऊपर से देखने को मिलता है पहाड़ों का, वो भी आपको दिखाएंगे। आ जाओ, तार को पकड़ो, हाँ पकड़ने के लिए जे को बनाइए व्यवस्था, बस आ जाओ गुरु जी। ये पहुंच गए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ गए हैं, जिस कुंड की बोल रहा था ये कुंड वो है, इसके भरने के बाद ये झरने की तरफ ले जाते पानी चले जाता है। और हम लोग ये बढ़िया सा पेड़ देख के यहाँ नीचे बैठ गए, धूप ने हालत खराब कर दी है। आज एडवर्ड सर निराश हो गए, आके पानी नहीं मिला ना, तो कह रहे मैं नहीं नहा रहा यहाँ पे। अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ से पानी आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। ये एक पहाड़ों के बीच में से एक जगह है, सुराग है, उसमें से हमेशा पानी आता रहता है। हाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पानी इधर से आता है, देखो बहुत यूनिक जगह है, इस तरह से हमेशा बहता रहता है। और जब बारिश होती है तो पूरे पहाड़ का पानी उतर के आता है नीचे, तो वाटरफॉल बना देता है। ये पानी काफ़ी समय तक चलता है बताते हैं, बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी पानी लगातार यहाँ से गिरता रहता है।
ये देखो गाइस कहाँ से आ रहा है पानी, बस यही है एक गौमुख टाइप का है जो कहते हैं, वहीं से पानी आता है ये इस तरह से बह के नीचे जाके वाटरफॉल बना देता है। ये देखिए काफी सारे बच्चे आ रहे हैं जंगल की तरफ से घूमते हुए। अच्छा ये शॉर्टकट रास्ता है, अरे वाह। ये कहाँ से निकलता है, इधर की? ये कहाँ जाता है? जी इधर जी, वहाँ पे जाता है जनकपुरी की साइड। अच्छा इतने सारे दोस्त लोग, इतना ठंडा पानी है और इतना मीठा पानी है तो, और जो इधर से अंदर से आ रहा था मैंने भी पिया, बहुत टेस्टी लगा। सब बच्चे लोग हैं पहाड़ की तरफ से आए हैं, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आ रहे हैं। बढ़िया, अच्छा मीठा पानी है ना। बढ़ते हैं अपन नीचे की तरफ, और काफी गर्मी बढ़ रही है और ये पत्थर भी काफी गर्म लग रहे हैं। चलते हैं, एडवर्ड सर कह रहे हैं मैं तो नहीं नहा रहा, और नहीं नहाए ना तो इनको गर्मी ज्यादा लगने लगी। अब नज़ारा बहुत सुंदर है, सर्दियों में आप आइए या पानी अच्छा गिरे तब आइए यहाँ पर। ये है ऊपर का नज़ारा, जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश के वक्त सब जगह से पानी गिरता है, ये बताना जरूरी है। काफी बड़ा वाटरफॉल बनता है यहाँ से, और एडवर्ड सर आ गए हैं, ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? कुछ शेर मार रहे थे। मुझे लगता है ऊंचाई से डर लगता है कि मैं तो सोच के चढ़ता गया जैसे डेविड ने कहा था, मगर उतरने के लिए सोचा उतरूं कैसे। वही सारी याद आ रही है, खुद ही को अगर इतना बुलंद की माउंट एवरेस्ट से चढ़ बैठे, खुदा बंदे से खुद पूछे चढ़ तो गया उतरेगा कैसे। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ऊपर गर्मी थी या ठंड है? पौधे ज्यादा है ना, माहौल थोड़ा गर्म से, पानी यहाँ भी निकले है, नीचे जा रहा है ना पानी बहते हुए। आगे काफी अच्छा चलता है यार, अभी बारिश ही नहीं है तो कुछ भी देखने लायक नहीं है यहाँ सिर्फ। तो वापस जा रहे हैं हम लोग, काफी मजा आया ऊपर नहा के, नहीं इस जगह पर बैठकर, उस जगह बैठे थे काफी देर से हम लोग, ये खूबसूरत वातावरण का आनंद ले रहे थे और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इजाजत दीजिए कि ये एक अपडेट वीडियो बनाया था मैंने आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर ये मोम के हनुमान आना चाहते हैं तो इस प्लान को अभी फिलहाल स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी नहीं चल रहा है, पर बाकी आप लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने यहाँ आ सकते हैं, दाल टिक्कड़ बना सकते हैं और अपने मेहमानों को लाके इस ग्वालियर के करीब इतना खूबसूरत जो आनंद भरा नज़ारा है हरा भरा पहाड़ों के बीच में ये दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में बढ़िया से कोई नई जगह पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और आपके आसपास कोई अच्छी जगह है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं वहाँ भी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है नहीं? तब तक के लिए बाय बाय। अब जाके मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, सामने प्यारे प्यारे बादल नज़र आ रहे हैं, पर अब हम घर जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, कंटेंट ही ऐसे ही रहता है, पर यह है कि एक समस्या जो बताई है रोड बनाने वाली, उस पर ध्यान दें तो रोड जल्दी बन जाए ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें।